आदाब, नमस्कार, आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ इस्मत चुगताई का अफसर जानी दुश्मन। जानी दुश्मन। आलिया ने हैरत से पर्चे को दोबारा पढ़ा। खाला जान ने उसे बुलाया था। उसकी खाला जान खाक भी न थी। वो अपनी सहेलियों की माँ नानियों से ऐसे ही खाला चची फूफी का रिश्ता लगा लिया करती थी। उसने कुछ आदत ही रिश्ता जोड़कर संगी पाई थी। कॉलेज में कदम रखते ही जो बहनापेश करना शुरू किए तो मालूम होगा अपनी क्लास की लड़कियां तो खैर थीं। घुटना फोड़ की हर क्लास में दोस्ती और रिश्ते का बीज बो डाला। और तो और उस्तादों से भी बाबा आदम के रिश्ते से मेल जोल बढ़ा लिया। फल दिए चली आ रही हैं, साड़ियाँ कड़वाए देती हैं, स्वेटर बुन रही हैं और दावतों का तो कोई ठिकाना नहीं। आज नजर ने आज है तो कल किसी भाई भतीजे का मुंडन या सालगिरह। कभी दूर दराज के रिश्तेदारों की शादी के रुकते बांटती फिर रही हैं तो साथ साथ दुल्हन दूल्हा दोनों की तरफ से शिरकत के लिए इसरार किए जाती हैं। जो जलकर उन्हें चिढ़ाता वो इंतकामन उसी के गले पड़ जाती और इतनी शदीद दोस्ती करके छोड़ती कि तौबा। किसी को झूठी हाजिरी लगवानी हो आप सीना सिपर, किसी को अपने यार गार से मिलना है आप इधर उधर के नाते जोड़ जाड़ अपने घर में दोनों को बुलाने पर बसित। कोई चंदा जमा हो रहा है आ लिया बिटिया सबसे आगे। अरे भाई तुम ठहरी सुन्नी जमात, शिया लड़कियों के मस्जिद से वास्ता। अरे अल्लाह कसम बड़ा मजा आएगा, मशहूर फातिमा क्या नौहे पड़ती है कि कलेजा ही हिल जाते हैं। तो अब होली और दिवाली भी मनाओगी? लोग पूछते क्यों नहीं जी, हमें दिए अच्छे लगते। और होली में अल्लाह कसम पिछले साल नसीर भैया ने डामर मल दी थी, उफ मेरी तो सारी चोटी चिपक कर चूना हो गई थी। कई घंटों मिट्टी के तेल से और राजा ने किस किस के गिजाई की, मगर हफ्ते भर तक भूतनियों की शक्ल लिए फिरी, सारी चोटी गारत हो गई। वो ऐसे चटखारे लेकर बयान करती हैं जैसे भूतनियों की शक्ल लिए फिरना और चोटी गारत करवा बैठना ही मकसद ज़िंदगी हो। मगर खुदा के लिए अब क्रिसमस के लिए तो चंदा ना बटोरो, कमबख्त अंग्रेज़ों का त्यौहार है, उधर खद्दर पर जान दिए देती हो। गांधी जी के चरण छूना गांधी जी के चरण छूना हासिल ज़िंदगी समझती हो और इधर इन गारंटियों के साथ मिलकर। ए भाई सड़न न मनो, ये मोटी काली कलूटिया अंग्रेज कहाँ से हो गई? अपनी नूरा स्वीट अंग्रेज है, मोटी काली फिर तुम देखना कितना मजा आएगा। सबको प्रेजेंट मिलेंगे, बॉन फायर के गिर्द बैठकर मूंगफलियाँ खाएंगे, वो जो उठती। और क्रिसमस के मौके पर आलिया बेटा सारे बॉडी को सर पर उठा लेती, दुनिया भर का सामान सारे मोहल्ले से मांग तांग कर जोड़ती, अपने साथ दूसरों को भी बौखला देती। प्रेजेंट बन रहे हैं, हॉल सजाया जा रहा है, निषाद हॉस्टल से लेकर मैत्री भवन तक घोड़े की चाल दौड़े चली जा रही हैं। कपड़ों की पोटलियाँ लिए भाग रही हैं। ए भाई बेबी क्राइस्ट के लिए पंगोड़ा कितना सड़ा हुआ है, अल्लाह कोई पन्नी मंगवा दो। जरा अपने तकिए से सांता क्लॉस की दाढ़ी के लिए रूई दे दो। उफ कभी कभी जी चाहता मारे सुवरिया को, मगर वो ऐसे बेवकूफ़ों की तरह हंसने लगती है कि सारा गुस्सा रफू चक्कर हो जाता। जिसका जी चाहे आलिया बेटा को बेवकूफ़ बनाकर उल्लू सीधा कर ले, जिसका जी चाहे फुसला का जो चीज़ चाहे मांग ले। इम्तिहान के ज़माने में सारी किताबें नोट्स और पेपर दूसरे मांग ले जाते, ये लाइब्रेरी में किताबों से सरमारी करें सरमा रही हैं। एक दफ़ा तो किसी को सवाल हल करके देती हुई पकड़ी गई, अगर दूसरी कोई होती तो उसी वक्त इम्तिहान के हॉल से निकाल बाहर की जाती। आलिया बिटिया ने अपनी साफ सुथरी हैरतज़दा आँखों से कुछ ऐसे देखा कि निगरानी करने वाली टीचर मुस्कुरा कर मुड़ गई। आलिया बिटिया तो बावली थी और उस बावलेपन की जितनी सज़ा भी उन्हें मिलती कम थी, अपनी फीस लाती
मगर कोई लड़की बेसौरती के मनी ऑर्डर नहीं आया, बड़ी मुसीबत है। एक झट उसकी फीस दे देती। पता नहीं उन्हें तंबी की जाती थी कि नहीं, कभी प्रिंसिपल के दफ्तर से मुंह लटकाए तो निकलती देखी नहीं गई। और ये नहीं कि आलिया बिटिया कोई रईस लखपति की बेटी थी, यतीम थी और मामू के घर रहती थी, वजीफों से तालीम घिसट रही थी। तो दिल था कि माजअल्लाह जैसे गंगा जमुना का संगम, कमबख्त की हमाकतों पर प्यार आता था। रसो बिटिया ने फिर कोई सुअरपन किया जो खाला जान ने बुला भेजा। आलिया बिटिया परेशान होकर सोचने लगी। रजिया इतनी ही बज़ात थी, रजिया उतनी ही बज़ात थी जितनी ये भोली थी। नहायत खुदगर्ज, बेहद इकलौती और लाडली, अम्मा अबा की ज़िंदगी का सहारा, दादा दादी की आंखों की ठंडक, ननिहाल की लाडो बिगाड़ी, दौलत के नशे में गर्क। और लड़कियां तो उनसे सीधी तरह बात करना भी अपनी हद तक समझती थी, मगर आलिया बिटिया तो उन पर भी हसबे आदत टूट पड़ी। लोगों ने बहुत समझाया बुझाया, खुशामदी और चापलूस कहा। खुद रजिया ने यही समझा कि वो उनकी मोटर में लिफ्ट लेने के लिए मक्खन चिपड़ रही है, मगर वो भला मानने वाली थी। कलेजा निकाल कर थमा लिया। अब बिल्कुल बेगर्ज, मजाल है जो मोटर में लिफ्ट ले जाए। वही अपने रिक्शे में खचड़ खचड़ करती आती जाती। नहीं बन्नो, कलवा गरीब क्या कहेगा। कलवा आपका चहीता रिक्शा वाला था, जिसके हर साल वो राखी बांधकर एक रुपया नेक पाकर जामे से बाहर हो जाया करती थी। कलवा कुछ और प्यारों से कम लाडला नहीं था। हाँ, फैजू दर्जी की और बात थी, सारे बोर्डिंग से सिलाई मांग मांग कर दिलवाती थी। उसकी ऐसे पब्लिसिटी करती थी कि सब समझते थे उस पर लट्टू हैं। बूढ़ा है तो क्या हुआ, ये भी सड़ा मैं। मगर वो लट्टू किस पर नहीं थी। उनकी बौखलाटों पर गुस्सा आता था, मगर उन्हें उस गुस्से पर प्यार आता था। लश्तम पश्तम खाला जान के यहाँ पहुँची, साफ जाहिर हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। रसो बिटिया की नाक लाल पकौड़ा हो रही थी, खाला जान ठंडी सांसें भर रही थी। अल्लो, तुमरा कहा तो बहुत मानत है, अल्लो तुमरा कहा तो बहुत मानत है रसो, तुम ही उका समझाओ, खाला जान ने मुंह बिछोड़ कर कहा। आलिया बिटिया हिल गई। वो हराम जादे नादिरवा के पीछे हलकान हो ही रही है। हम कह दिया है कि बेटी हमारी लाश में बरा बरात जाइए, हम तुका भंगी का दे दें। अहे खाला जान, नादिर में ऐसी कौन सी बुराई है। जिंदगी में पहली बार उन्होंने किसी की अर्थदाश्त में ऐब निकाला, वरना आधा तो उन्होंने खाला जान और दोनों की हिमायत में चक्कर घनी हो जाना चाहिए था। उनका कलेजा तो हर किसी के लिए फटने लगता था। ए बिटिया, वो निकम्मा दुई कौड़ी का जुला, उनकी इतनी हिम्मत कि हमारी बिटिया का बहकाए कि जायदाद पे दांत निकोसे। यहाँ आलिया बिटिया कायल हो गई। वाकई रजो बिटिया की जायदाद पर दांत निकोसने का नादिर मियाँ को कोई हक नहीं पहुँचता, मगर क्या किया जाए। रजू बिटिया एकदम दिल के हाथों बेबस हो चुकी थी। दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी हुई है। नादिर के लिए जान देने को तैयार है। अहे भाई, अल्लाह ना करे, आलिया ने कलेजे से लगा कर कहा। तो इसे चलो, अब उनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अल्लाह हमें थोड़ी सी संख्या ला दो। हसब आदत आलिया बिटिया कहने वाली थी, अभी लो, ये कौन सी बड़ी बात है। मगर फिर खुदकुशी का ख्याल आया तो लर्ज उठी। कहने लगी, तुम्हारे दुश्मन खाए संख्या, मैं समझाती हूँ खाला जान को। मगर जब खाला जान ने भी उनसे संख्या लाने की फरमाइश की तो आलिया बिटिया के कलेजे पर आले चलने लगे। वो जो किसी के चेहरे पर मैल आते देखकर लरज उठती थी,
खुदकशी की धमकियों से अघमरी ना हो जाए तो और क्या करेंगी। दो तीन दिन तो ऐसी वीरान और परागंदा फिरी कि हम सब समझे आलिया बी की मिट्टी अजीज हो गई। उन्हें ज़रूर किसी नहायत भयानक आदमी से इश्क हो गया है। अरे भाई लाना था इश्क पर, यहाँ पर कुश्तों के पुश्ते लगने वाले हो रहे हैं और तुम लोगों का मजाक सूझ रहा है। मर जाएगी कम वक्त रजो, वो रुआसी हो गई। अरे तो शादी कर ले नादिर से, इसमें क्या है, वो कोई बच्ची थोड़ी है, तो खाला जान मर जाएंगी। अरे हटाओ, कोई नहीं मरता। अरे अब तो लोग हैजा ताउन के मारे नहीं मरते, तो बेचारे इश्क की क्या बिसात है। हाँ ये तो ठीक है। अच्छा तो कहूँ जाके रजो से, कहना क्या है, बस भगवा दो उसे नादिर के साथ। मगर जब नहायत खुशी खुशी वो रजो को भगवाने के लिए पहुँची तो वो पसर गई और ख़ानदान की नाक ले दौड़ी। लेकिन आलिया बिटिया कोई मामूली वकील नहीं थी, उन्होंने रजो बिटिया को चारों शारे चित कर दिया, ऐसे कि उन्हें नादिर के साथ भागने के सिवा और हर शय नामुमकिन नज़र आने लगी। आखिर उन्होंने दबी जबान से इकरार किया कि भाग तो वो बेशक जाए मगर इतना बड़ा मुंह फाड़कर आलिया बेटा को अजीब शशोपंज में डाल दिया। बिटिया भागी तो जायदाद से कतई हाथ धोने पड़ेंगे। सो तो है मगर नादिर के लिए तो हर कुर्बानी देने को तैयार हो। उन्होंने कजबैसी शुरू कर दी। यही तो आलिया बिटिया में खराबी थी कि रात को दिन कहना शुरू करेंगी तो बस अड़ियल टट्टू की तरह कहती चली जाएंगी। उनका क्या है, वो मामू के टुकड़ों पर पली, उन्होंने वो सुख कहाँ झेले जो बेचारी रजो बिटिया की घुट्टी पे पड़ चुके हैं। खुरदरी दरी और मैली तोशक पर सोने वाली नरम नरम गद्दों की कमबख्त आदत को क्या जाने। साल में 6 जोड़ों में गुजर करने वाली को क्या पता कि जब अलमारियाँ कपड़ों से अटाअट हो जाती हैं तो लिबास के चुनाव में कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते। अल्लू बेटा का एक चप्पल फट जाता है तो कहीं जाके दूसरा पहन सकती हैं, मगर वो गरीब जिसके पास 50 जोड़ी जूते हों वही इंतखाब के दर्द सरी को समझ सकती है। रजोबी की मजबूरियों पर गौर करके आलिया की आंखें छलक उठी और खाला जान को राज़ी करने पर जुट गई कि वो हंसी खुशी बेटी की शादी नादिर से करके उसे कोई उम्दा सी नौकरी दिलवा दे। मगर खाला मुर्दार एक अड़ियल टस से मस ना हुई। तुम ऊका समझाओ किसको, ऊका नादिर का समझाओ कि बिटिया को फांसने का ख्याल छोड़ दे। हद हो गई, यानी इतनी सीधी बात अल्लू को ना सोची, सच तो है, नादिर को क्यों ना समझाया जाए, समझदार आदमी है, ज़रूर समझ जाएगा। तापती खाक छांती तेरे मेरे वसीले से मुलाकात करने पहुंची। खाला जान की हालत ज़ार का दर्दनाक नक्शा खींचा मगर वह जालिम ना पसी जाए। यही कहे गया, वो ज़माना गया जब वालदैन औलाद पर जुल्म किया करते थे। यूं ना कहिए, आलिया ने आंखों में आंसू भर के कहा, वालदैन और जुल्म, हालांकि उन्हें वालदैन से कभी पाला ना पड़ा था। बचपन ही में उन्हें दोनों लावारिस छोड़ गए थे। एक धुंधली सी याद बाकी थी, लामत ना ही प्यार और शफकत का एक मिटा मिटा सा अक्स दिमाग के किसी नर्म नाजुक हिस्से पर अपना दाग छोड़ गया था। आपके वालदैन आप पर सख्ती नहीं करते, वालदैन सख्ती कैसे कर सकते हैं। हालांकि मेरे वालदैन जब मैं जरा सी थी जब ही इंतकाल कर गए, और अब बस यही एक जुर्म उन्होंने मुझ पर किया कि मुझे अपनी सख्तियों से महरूम कर दिया। ओ मुझे बड़ा अफसोस है। फिर बड़े जोश खरोश थे वो रजिया और खाला जान की वकालत करने लगी। बहन ही समझ लीजिए, समझ लेने की भी अच्छी कही, गोया आप आए नहीं तो फिर आपका उससे रिश्ता क्या है।
वो मेरी क्लासमेट है, बहन से भी बढ़कर और उनकी अम्मा खाला से भी बढ़कर जी। आपकी कोई सगी खाला हैं? जी नहीं, मगर होती तो। वो समझा तो आप कोशिश करेंगे कि रजिया को भुला दो जी। उनकी अहमक वालिदा की खुशनूदी के लिए जी हाँ। रजिया भी कम से न अपना बुरा भला नहीं समझ सकती। ये आपसे किसने कहा? दादे ने कटती हुई आवाज में पूछा जी। अल्लू बेटिया बौखला गई। कमबख्त की कैसी गहरी गहरी आंखें थी जैसे दो कुएं कि आदमी डूबता ही चला जाए। हाय हाय बेचारी रज्जो। खाला जान ने उसने जल्दी से पूछा जी हाँ। अल्लू बिटिया जल्दी में कहती आपकी क्या उम्र होगी? उसने वकीलों जैसे चिराहट जारी रखी जी, जी। मगर मेरी उम्र से रजिया की जिंदगी से क्या वास्ता? वो तो बड़ी मुस्तैदी से बोली यूं ही मैंने पूछ लिया। रजिया मुझसे बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। हाँ यकीनन होगी, आलिया ने बड़े वकार से कहा। यही कोई 1.5-2 साल कतई। अच्छा एक बात बताइए, ये आपकी खाला जान जो हैं वो आपकी कफील हैं? नहीं, मुझे स्कॉलरशिप मिलता है। और आप गलत समझे, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने मामू मियाँ के साथ रहती हूँ। वो भी आपकी किसी क्लास फेलो के बाप हैं? नहीं नहीं, वो तो मेरे सगे मामू हैं। तो फिर रजिया को मेरे चंगुल से छुड़वाना चाह रही हैं आप, इसमें आपका क्या फ़ायदा है? नादिर ने बदतमीजी से पूछा। वो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, आलिया बिटिया इस कस्म के तहकीर आमेज जुमलों की आदी थी, उनके माथे पर शिकन भी ना पड़ी। और आप समझती हैं कि मैं इतना ख़तरनाक आदमी हूँ कि रजिया को मेरे चंगुल से छुड़ाना सवाब का काम है? नादिर का चेहरा तबतबा उठा। जी नहीं, ये बात तो नहीं, मैं ख़तरनाक नहीं। नहीं तौबा कीजिए, आप तो बड़े शरीफ आदमी हैं। मगर जी हाँ शुक्रिया, जी शुक्रिया, मगर ये है कि आप निगम में कहिए तकल्लुफ की क्या बात है? नादिर ने दाँत पीस कर कहा, ना कमाए ना धमाए, रजिया की जायदाद पर उन्होंने हकला कर सर झुका लिया। किसी को भी सख्त सुस्त कहने की उन्हें आदत ना थी। नादिर का पारा चढ़ गया। उसने अल्लू बिटिया को खरी खरी सुना दी कि वो खुद चूंके औरों की खैरात और पली हैं, इसलिए उन्हें सिवा रुपए के और कुछ नज़र नहीं आता, अपनी तरह दूसरों को भी समझती हैं। अल्लू बिटिया ने बिल्कुल बुरा नहीं माना, वाकई वो वजीफ़ों के बलबूते पर जिंदा थी, और वजीफे भी एक तरह की खैर खैरात ही होते हैं। तो मेरा और रजिया का कोई जोड़ नहीं, नादिर पुकारा। जी नहीं, वो नाजों की पली ऐशोशरत की आदि है। बड़ी ढिटाई से अल्लू बिटिया डटी रही। अच्छा मेरा और आपका तो जोड़ है? नादिर कमीनेपन पर उतर आया। मगर बिटिया कुछ ना समझी, झट से बोली जी हाँ, क्योंकि मैं बकौल आपके खैरात पर पली हूँ। मेरे लिए तो मामू जान कहते हैं बस कोई शरीफ आदमी। एकदम अल्लू बिटिया चुप हो गई, क्योंकि नादिर नहायत बदजाती से मुस्कुरा रहा था हाय ये क्या कह गई? मैं शरीफ आदमी हूँ, उसने आंखें तिरछी करके पूछा। जी अल्लू बिटिया बुरी तरह बौखला कर भाग खड़ी हुई। पक्का लोफर है, रजिया की जान छुटी तो मेरे पीछे लग लिया। उन्होंने एकदम लाइब्रेरी में दुखड़ा रोना शुरू किया। रजिया की जुदाई में नादिर पागल हो रहा था। उसने उन्हें धमकी दी थी कि तुमने मेरी कट्टी करवाई है, अब तुम ही संभालो, नहीं तो चला मैं गोमती में। रजो बिटिया मुनीर मियाँ के यहाँ पिक्चर पोस्टकार्ड देख देख कर ही नादिर को भूल चली हैं। और अब नादिर
अल्लू बिटिया का जानी दुश्मन हो रहा है, उनके घर पर हमला शुरू कर दिया है। मामू जान मुमानी जान बजाय डांटने के और उसकी खातिर करते हैं। अल्लू ने बहुत चाहा कि उसे नादिर भाई जान कहे, मगर उसने वासे कर दिया कि लफ्ज़ भाई ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा मौजू रहेगा। वैसे काजी लोग तो सब भाई वाई की दो लफ्ज़ों में ऐसी तैसी करके रख देते हैं, और मुनीर मियाँ हैं कि आने का नाम नहीं लेते। अगर ये कुछ ची चपड़ करती हैं तो नादिर धमकाता है कि वो फिर नज़रों को वरगराने लगेगा। खैर से बिटिया का निकाह हो जाए फिर मर्दूद को। खैर से बिटिया का निकाह हो जाए फिर मर्दूद को उसकी जगह दिखा दी जाएगी। अगर वो तो इंतकाम लेने पर तुला हुआ है और अल्लू बिटिया की मिट्टी पलीत करके रहेगा। उसने मामू मियाँ को पैगाम भी दे दिया। जब उन्होंने कहा कि क्यों लड़की से पूछकर जवाब देंगे, तो नामुराद बोला, मैंने उनका अंदिया ले लिया है, अंदिया का बच्चा। अल्लू बिटिया धारों धार रोती थी और नादिर की जान को कोसती थी। भाई अच्छी मुसीबत है, हम लोग भी उनके साथ मिलकर कोसते। यूं एकदम यतीम लड़की की ज़िंदगी के दर पे होना कहाँ की इंसानियत है। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, रजिया भी ने पत्ता काट दिया तो इस बिचारी का दुश्मन हो गया। दो दिन आलू बिटिया गायब रही, फिर वो कॉलेज आई तो देखकर कलेजा मुकाने लगा। पिटी हुई सूरत, जैसे महीनों की बीमार, झुकी झुकी रोई हुई आँखें, सर पर दुपट्टा जोर से मंडे। लड़कियों ने आयादत की गर्ज से चारों तरफ से घेर लिया। दुपट्टा सरकाया तो हाथों के तोते उड़ गए। माँ कौज़े कज़ा बनी हुई जगमगा रही थी। मुट्ठियाँ खोली तो अरमानों का खून हिना का रंग बांध रहा था। उफ, और अल्लू बिटिया एक एक गले लगकर सिसक रही थी। सबर करो अल्लू प्यारी, सबने तसल्ली दी। कैसे सबर करूँ मेरी बहन, उसने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने का ना रखा। अरे खाला जान मेरे जहन्नुम में थूक रही हैं, उस शख्स की मक्कारी देखो। मामू मियाँ तक को ना बताया कि मिडल ईस्ट में कोई 1,500 की नौकरी लग गई है। मुनीर मियाँ ने इटली में किसी फिरंगन से शादी कर डाली। अब खाला जान कोस रही है कि मैंने उनकी रज़्दों के मंगेतर को वरगला कर खुद पास लिया। अल्लू बिटिया हिचकियों से रोती रहीं और इम्तिहान के बाद उनका जानी दुश्मन उन्हें लेकर मिडल ईस्ट की तरफ उड़ गया। यह था इस्मत चुगताई का अफसाना, जानी दुश्मन।